खबर कोटा से है, जहां जेके लॉन अस्पताल में बच्चों की मौत का मामला देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बार फिर अस्पताल में मौत का आंकड़ा बदल गया। अब मौत का आंकड़ा 35 दिन में 110 तक जा पहुंचा है। वहीं इस मामले को लेकर सरकार ने पहले अधीक्षक को जिम्मेदार मानते हुए उनसे अधीक्षक पद छीन लिया। उसके बाद डॉक्टर सुरेश दुलारा को अधीक्षक बनाया गया। इसके बाद मामले को लेकर नए अधीक्षक सुरेश दुलारा मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों की मौत एक अनवरत प्रक्रिया है, हम हर तरह के प्रयास कर रहे हैं कि इन आंकड़ों को जल्द ही रोक लिया जाए। मेरा आना या किसी का आना जाने से नहीं, ये नहीं बदलता। ये लगातार प्रक्रिया है, लगातार प्रक्रिया है। अस्पताल है, 24 घंटे काम होता है, 24 घंटे काम होता है। रोगी आते हैं, 24 घंटे आते हैं, 24 घंटे यहाँ अनवरत प्रक्रिया है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए कोटा से एवं संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, सुरेश दुलारा नए अधीक्षक जो है अस्पताल के, उनके द्वारा मीडिया से रूबरू होकर बात की गई और कहा गया कि बच्चों की मौत एक अनवरत चीज है, लेकिन इस पर अब जल्द ही प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा और क्या बातें उनके द्वारा कही गई? जी बिल्कुल, जब से उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और चिकित्सा विभाग के मंत्री रघु शर्मा यहाँ पर पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं जो जेके लॉन अस्पताल का ढांचा है उसको मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। आज जब अस्पताल अधीक्षक जेके लॉन से, सुरेश दुलारा से जब बात हुई, तो उन्होंने साफ कहा कि भाई ये मौतों का जो आंकड़ा है, ये अनवरत प्रक्रिया है। लगातार बच्चे यहाँ पर आते हैं, गंभीर हालातों में यहाँ पर पहुंचते हैं और इस तरह से मौत हो जाती है। मगर उनका ये बयान एक शर्मनाक बयान है, क्योंकि जब उन्हें जेके लॉन अस्पताल का अधीक्षक बनाया गया है, अधीक्षक बनाने के बाद में उनके पास एक जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी को उनको निर्वाह करना पड़ता है। पहले के जो अधीक्षक थे मीणा, उनको इसीलिए हटाया गया था कि लगातार बच्चों की मौत हो रही थी। मगर अब वो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि किसी को भी अधीक्षक लगाया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते जा रहे हैं। जेती जी, इसके अलावा क्या बातें कही गई, किस प्रकार से अस्पताल की व्यवस्थाओं में आगे चलकर सुधार किए जाएंगे? बिल्कुल, आज उन्होंने जिस तरह की बात करी, उन्होंने कहा कि पहले जो डॉक्टरों की कमी थी, वहाँ यहाँ 5 डॉक्टर लगाए गए हैं, विभागीय अध्यक्ष को चेंज किया गया है, जगदीश सिंह जो है जो नए विभागीय अध्यक्ष होंगे पीटीआई के, साथ में ही 4 उपाचार्य भी लगाए गए हैं, जो बिल्कुल यहाँ की जो व्यवस्था है उसको सुधार किया जाएगा। साथ में 14 नर्सिंग स्टाफ कर्मी भी लगाए गए हैं, कुछ CMHO से आए हैं, कुछ जो सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। साथ में उपकरणों के लिए भी उन्होंने एक बात करी कि जो उपकरण पहले खराब थे, उन उपकरणों को अब सही कराया गया है। अब हमारे पास पूरी सुचारू व्यवस्था है, जो कुछ उपकरण और भी हैं उनको लाया जाएगा, बेड बढ़ाए जाएंगे और साथ में जो बच्चों की मौत का जो आंकड़ा है उसको कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, कोटा से खबर आपको बता रहे थे, जहां अस्पताल के नए अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि जल्द ही बच्चों की मौत के आंकड़े को कम करने के लिए अस्पताल की सुरक्षा और व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है और नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ अस्पताल के अन्य स्टाफ में भी बढ़ोतरी की गई। इसी के साथ उपकरणों की भी अब सुचारू व्यवस्था शुरू कर दी गई है।